हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सैम्पल क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग फॉर आईसीएसई बैंक पीओ 2018-19। लॉजिकल रीजनिंग से और कुछ मिसलेनियस टॉपिक से कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं आईसीएसई बैंक पीओ में, तो इस पर ही पूरा वीडियो बना हुआ है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश करूँगा इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने लॉजिकल रीजनिंग का कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आईसीआईसीआई बैंक पीओ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको वन बाय वन देखते हैं और पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होता है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट को ट्रू मान के आप इन कंक्लूजन को जो है सॉल्व करना पड़ता है इसमें, ठीक है फ्रेंड। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या बोलता है, इन अ वन डे क्रिकेट मैच, ठीक है, वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाय टीम वेयर 200, आउट ऑफ दिज 160 रन वेयर मेड बाय स्पिनर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक वन डे क्रिकेट मैच में टोटल रन जो है टीम के द्वारा 200 बनाए गए, ठीक है। उन 200 में से 160 रन जो है स्पिनर्स के द्वारा बनाए गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पे, ठीक है। 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, ठीक है। क्या बोलते हैं, 80% जो टीम है वो कैसे है, स्पिनर से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप देखो कि ये बोल रहा है कि 80% टीम में जो है स्पिनर है। कहाँ लिखा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, ये तो लिखा ही नहीं है। हो सकता है 20% स्पिनर हो और उन्होंने 160 रन बनाया हो, ठीक है। तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 80% स्पिनर थे, तो इसलिए हम इसका जो आंसर आएगा वो नहीं होगा, ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या बोलता है, द ओपनिंग बैट्समैन वेयर स्पिनर, जो ओपनिंग बैट्समैन था वह स्पिनर था। यहाँ कहीं लिखा है क्या फ्रेंड्स, यहाँ कहीं लिखा है क्या ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर था, नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है अब इसको 100% ट्रू मानो, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसी को लेके कंक्लूजन को जो है हमको चेक करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं और हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। स्टेटमेंट टू देखते हैं, क्या बोलता है, दैट ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, ठीक है। ओल्ड ऑर्डर जो थे उसकी जगह अब नए ने ले लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। आपको पता है ये ट्रू है, कैसे ट्रू है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है, ये तो है क्या नहीं। तो इसी से रिलेटेड देखो आप क्या बोल रहा है, ओल्ड चीज़ें जो है, ओल्ड चीज़ें मतलब जितने भी चीज़ें थी उसकी जगह जो है नई चीज़ों ने ले ली है, ठीक है। तो चेंजेस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू हो गया फ्रेंड्स, होता है कि नहीं। अभी पुरानी चीज़ें जो है उसकी जगह नई नई चीज़ें आ गई है, ठीक है, ये तो बिल्कुल संसार का नियम ही है, तो ये तो ट्रू हो गया फ्रेंड्स पहला वाला, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज़ बिकॉज दे आर ओल्ड, ऐसा कभी होता है क्या, हम लोग ओल्ड आइडियाज़ को पूरे डिलीट कर देते हैं क्या कभी, देखा है क्या, नहीं, ये गलत हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। हम पुरानी बातों को मतलब मिटा नहीं देते पूरा। फॉर एग्जांपल, जैसा रेडियो की बात ले लो, ठीक है। अभी रेडियो जो है अभी नया वगैरह सब आने से, टीवी वगैरह आने से, ठीक है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ने से रेडियो जो है बहुत कम अभी पॉपुलर हो गया, लेकिन हमने उसको छोड़े क्या, नहीं, ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए। तो वही इसमें बताया गया है स्टेटमेंट में, ठीक है, ट्रू है ये चीज़, ट्रू है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, ये समझ के आपको क्वेश्चन मतलब नीचे के कंक्लूजन जो है सॉल्व करना है। ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, मतलब पुराने जो चीज़ें हैं उसकी जगह नई चीज़ों ने ले ली है। तो फ्रेंड्स, परिवर्तन ही संसार का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते, ठीक है।
अब जैसे ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं कई में, ICICI बैंक PU 2018-19 के एग्ज़ाम में आने के बहुत जल्द चांसेस है, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब क्या बोलता है, सीरीज़ को हम QCGTU लिखते हैं तो एक्सपर्ट को क्या लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मिनट, तो देखिए फ्रेंड्स, सीरीज़ को हम लोग अगर QCGTGU लिखते तो एक्सपर्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, यही पूछा है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको कोड निकालेंगे, थोड़ा सोचिए फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर इसको सॉल्व करने की तकलीफ होती है फ्रेंड्स, तो इस सबसे बेस्ट है इनके नंबर लिख लो आप, नंबर दिखते तो हमको आइडिया आ जाता है कि क्या नंबर है, जैसा कि यस का है। अब हम लोग नंबर कैसे याद रखेंगे, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको याद क्या रखना है, ये ईजॉटी शब्द याद रखना है। ठीक है, ईजॉटी शब्द अगर आप याद रखोगे तो आपको जो है इसके नंबर बराबर याद हो जाएंगे। देखो, ईजॉटी E5J10O15T20Y25, अब इससे हम आसानी से इसका नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको नंबर नहीं निकाल के बताऊँगा, मैं सीधा सॉल्व करके बताऊँगा आपको। देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, देखिए पहला वाला जो एस है, ठीक है, पहला वाला जो एस है उसको जो है लास्ट में दो प्लस कर दिया है। ठीक है, प्लस टू एस टी यू, ठीक है, आपको समझ में आया। अब दूसरा वाला ई जो है उसको भी प्लस टू करके यहाँ दे दिया है। ठीक है, मतलब इधर से सीरीज इधर जा रही है। ठीक है, ई एफ जी, ठीक है, ये समझ में आया। आर एस टी, समझ में आया। ठीक है, आई तीन प्लस हुए, अब ये देखो माइनस कर रहा है यहाँ से, आई से माइनस कितना हुआ, माइनस टू। ठीक है, ई से माइनस कितना हुआ, टू। एस से माइनस कितना हुआ, टू। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, पहले तीन में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस टू करके इधर लिखते जाएंगे और बाकी तीन में जो है माइनस टू करके लिखते जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपको देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, एस का हमने यू किए, एस टी यू, तो ई एफ जी, ठीक है, जी यहाँ पे आ जाएगा। ई का, सॉरी ई वाला है, ई का हमने क्या किए, एफ जी, तो एक्स का क्या हम करेंगे, वाई जेड। ठीक है फ्रेंड्स, आर का क्या हमने प्लस टू करेंगे, ठीक है, तो पी का हमने प्लस टू किए, क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ से माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ई से माइनस टू क्या होगा, सी। ठीक है, आर से माइनस टू पी क्यू आर, पी क्यू आर पी हो जाएगा। ठीक है, और टी से माइनस टू ओ पी क्यू आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी आर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन जो है ये वाला टू वाला ऑप्शन जो है आ गया है। ठीक है, आर पी सी आर जेड जी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नंबर की, हम लोग नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा ईजॉटी, तो आपको ये हेल्प कैसे करेगा। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना है सीरीज़ का कोड। ठीक है, एस का कोड क्या आएगा, एस, एस का पता है एस टी। ठीक है, टी के पहले एक आता है तो हमने लिख दिया 19। ठीक है, ई, ई का फाइव है, हमने फाइव लिख दिया। ठीक है, आर, आर एस टी, दो कम टी से तो 18 हो गया। ठीक है, आई, आई जे, जे यहाँ पे 10 है तो आई कितना आएगा, 9, तो ये हमने 9 कर दिया। ई का 5 है, एस का 19 है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये कोड नोट कर लिया। अब नीचे वाले कोड की बात आती है। ठीक है, कि इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको हम लोग ये बोलते हैं ऐसा। तो देखो क्यू का कोड क्या आ गया, क्यू ओ पी क्यू, ओ का 15 है तो 16 17। ठीक है, ये आ गया 17। सी का 3 है, जी जी ई एफ जी 7 आ गया, 2 प्लस है ना। टी का 20 है तो हमने 20 लिख दिया। जी का ई एफ जी 7 है, 7 लिख दिया। यू का टी यू 20 और 21, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, 19 का 20 21 हो रहा है, 5 का 6 7 हो रहा है, 18 का 19 20 हो रहा है, मतलब यहाँ तक तो प्लस टू हुआ। अब 9 का माइनस टू हो गया 7 हो गया, 5 का माइनस टू हो गया 3 हो गया, 19 का माइनस टू हो गया 17 हो गया। तो आपको समझ में आ गया पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी वैसे ही लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ गया 2। तो
तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक करना फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, कुछ कमेंट होगा तो बिल्कुल करना फ्रेंड्स, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स, गुड बाय।